शम शनिश्चराय नमः। नमः नारायण। 23 दिसंबर सन 2012 और रविवार का दिन है। क्यों चिंतित, क्यों परेशान? मैं हूं ना आपके साथ, जीवन मंत्र को लेकर, गुरु मंत्र को लेकर। आपके हर दर्द, हर परेशानी का हल है मेरे पास। मुस्कराइए। आपका मुस्कराना मेरे जीवन पर वरदान बनता है। आपके मुस्कराने से मेरी भक्ति पूर्ण होती है। मुस्कराइए। आपके हर दर्द में मैं आपके साथ हूँ। रविवार का सुंदर जीवन मंत्र, कहीं कोई परेशानी हो, नित्य कर्म से निमरो स्नान उपरांत जब भी मौका मिले इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओम वसुप्रदाय नमः, ओम वसुप्रदाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण। और बात करते हैं रविवार के पंचांग। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी और विक्रम संवत 2069 प्रातःकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा मेष राशि में आज एकादशी है। एकादशी का व्रत करना बहुत अच्छा रहेगा। आज एकादशी को गाय को हरा चालना बहुत शुभ रहेगा। हरा चारा डालेंगे, गरीब को भोजन कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे में दीपक जलाना भी घी का बहुत शुभ माना गया है। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा दिला रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी है और रविवार का राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक। और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना या कोई शुभ कार्य शुरू करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करते हैं रविवार की राशिफल की। नमो नारायण। मेष राशि, गोचर ये कह रहा है कि आज लाभ मिलेगा, आज मान और सम्मान में वृद्धि होगी, आज भाग्य में वृद्धि होगी। चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय, दोनों क्षेत्र में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि है। अपनों का पूर्ण सहयोग, परिवार का पूर्ण प्यार और पैसा भी मिलेगा। क्या करें मेष राशि वालों, वाणी में, वाणी और व्यवहार की माधुर्यता को बनाए, सहजता को बनाए रखें। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, बस इतना ध्यान रखें। नमन और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं। निजगत कर्मों के भी सितारे आज अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है थोड़ा सा संयमित रहना। मित्रों की कदर करना, मुंह में राम बगल में छुरी, वृषभ राशि वालों तकलीफ ले जाएगी। और एक बहुत आज बहुत जरूरी बात, किसी की भी बात इधर से उधर मत करना, अन्यथा संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, मन में उद्विग्नता है। और इस आज कार्यों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। परिवार में उठापटक है, मित्रों से मन मुटाव है और सुबह से लेकर शाम तक गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल। डरिए नहीं, बस ये कह रहा हूं, एक इधर उधर नहीं करना, थोड़ा सा संयमित रहना, रिश्तों की कदर करना। छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए जल और गंगा जल दोनों ही शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। आप इतना सा करके तो देखिए, मन प्रसन्नचित रहेगा, दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करके देखिए। क्या ना करें, किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, संपूर्ण ग्रह गोचर की बात करूं, सितारों की बात करूं तो आज निजगत कर्मों की वजह सितारे अनुकूलता का संकेत दे रहे। धन कोष में वृद्धि और प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे, यात्राओं का योग नजर आ रहा है, संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी और संतान संबंधी शुभ समाचार। मिथुन राशि वालों, बहुत सुंदर गोचर। क्या करें, गरीब, निर्धन, बूढ़े और बीमार लोगों की सेवा में आज का दिन थोड़ा सा लगा देते हैं तो आने वाला समय तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्या ना करें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो आज कारोबारी यात्रा ना करें। नमन और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, गोचर की बात करता हूं तो गोचर आपके निजगत कर्मों के आधार पर है और संपूर्ण ग्रह गोचर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि मन प्रसन्नचित रहेगा। आज आपकी मन की चलेगी, आपके वजूद को आज मान्यता मिलेगी। स्व प्रयासों द्वारा सरकार से लाभ, उन्नति के अवसर, अवसरजनों का पूर्ण सहयोग, समाज और परिवार में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि और माता पिता का पूर्ण सहयोग और प्यार भी मिलेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या करें, थोड़ा सा स्वजनों के सहयोग को लेने में हिचकचाए नहीं।
क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। नमूना निर्वाद करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, शुभ कार्य संपन्न होंगे और धन का खर्च बढ़ेगा। ये शुभ कार्यों में धन खर्च होगा और ये धन अच्छा वाला खर्च होगा, इससे दुख नहीं लगेगा, प्रसन्नता लगेगी सिंह राशि वालों। आज आपका सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, जनसंपर्क बढ़ेगा, आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों से आप मिलेंगे उनसे आपको लाभ भी मिलेगा और दाम्पत्य संबंधों में सुधार और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग, पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति, दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या चाहिए और क्या करें? तो इच्छित जो 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 आपके मन में, उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें, किसी को अपने कार्य में आज भागीदार ना बनाए। नमूना निर्वाद करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, गोचर बहुत शुभ है, पैसा भी मिलेगा, लोगों का साथ भी मिलेगा, लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे, लेकिन अत्यधिक थोड़े से व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन उस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आलस्य और प्रमाद बढ़ गया, लापरवाही आपने कर दी तो नुकसान हो सकता है। और एक बात और ध्यान, आज भोग विलास में धन और समय का अपव्यय नहीं हो, इस बात दूसरों की झमेलों में नहीं पड़ना, इस बात का भी ध्यान रखना। अपने काम पर ध्यान दो, जो चल रहा है उसमें मेहनत करो, आज मेहनत के अनुरूप, परिश्रम के अनुरूप धन लाभ भी होगा और दिन शांति और सुकून से बीत जाएगा। बस आलस्य और प्रमाद को हावी मत होने देना, निराशा को हावी मत होने देना। क्या करें, नए लोगों से थोड़ी सी मित्रता बढ़ाइए ना। क्या ना कर, संतान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें। नमन बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, कार्य में उत्साह बढ़ेगा, कार्य करने में आपका मन लगेगा, किए कार्य और प्रयासों के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, जो पिछले कई दिनों से पति पत्नी में मन मुटाव है ना, वो दूर हो जाएगा, परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, शांत और स्थिर मन से कार्य को करें, हड़बड़ाहट मत करिएगा। क्या ना करें, भूमि और वाहन संबंधी कार्य को आज ना करें, उसमें आज पूंजी निवेश ना करें। नमना और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका स्वामी मंगल और आज जिस तरह के ग्रह गोचर हैं, बहुत शुभ, बहुत अनुकूल, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही ना, आज संपूर्ण भय भ्रम भ्रांतियों से पीछा छूटेगा, विघ्नों से पीछा, कानूनी झमेलों से मुक्ति मिलेगी और शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होगा, शत्रु आपका आज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुभ इच्छा से किए गए कार्य सफल होंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, आज थोड़ा सा धार्मिक रुझान बढ़ाइए, धर्म की ओर रुचि लीजिए, यात्रा पे जाइए, व्यावसायिक भी यात्रा तो जाइए, कोई नुकसान नहीं है। क्या ना करें, पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। नमूना बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, ग्रह गोचर की संपूर्ण जो संरचना है, कौन ग्रह कौन सी लिए कह रहा है कि मन प्रसन्न रहेगा, रुकावटें दूर होगी, निर्माण में के कार्य में अद्भुत सफलता मिलेगी, बस संतान को साथ लेके चलना है, क्योंकि ग्रह गोचर में सुधार है, कर्मों में सुधार है तो ग्रह गोचर में सुधार, बिगड़े हुए कार्य संभलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और दिन अच्छा बीतेगा। बस पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना आवश्यक होगा और खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूरी है। क्या करें, दोपहर 2 बजे के बाद व्यावसायिक कार्यों में पूंजी निवेश करेंगे तो ठीक रहेंगे। क्या ना करें, प्रियजनों से कोई मनमुटाव ना करें। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, जिस तरह के घर गोचर है, निजगत कर्मों की वजह से कह सकता हूं, क्योंकि कार्य तो आपने किया भैया, तो खड्डा आपने खोदेगा तो दूसरा नहीं गिरेगा, ध्यान रखना, ये नियम है, यदि तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो गिरोगे तुम्हें। तो जो 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 आपने कार्यकलाप किए, जो आपके कर्म है, वो संकेत दे रहे बेवजह परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज लाभ प्राप्त के लिए कठिन दौड़ धौप और प्रश्न लगा रहेगा, लेकिन फिर भी कार्य में संदेह है, आज जीवन साथी से विरोध और मतभेद की संभावना है निजगत कर्मों की वजह से। डरा नहीं रहा हूं, ये कह रहा हूं कि जीवन साथी से धोखा नहीं, कार्य में लापरवाही नहीं, दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना। और चौथी बात, आज अपने क्रोध पर काबू रखना, छोटा सा उपाय है, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, शनि का ये अद्भुत मंत्र है भगवान शनिदेव का, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः। आज उड़द के आटे के बड़े बनाकर उसमें थोड़ा सा दही रखकर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। क्या करें, पारिवारिक रिश्तों को महत्व दें। क्या ना करें, कार्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर सितारों का शुभ संकेत, व्यावसायिक आनंद प्राप्त होंगे और विचारे भी मनोकामना पूर्ण होगी, धनवृद्धि के अवसर मिलेंगे, कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता,
मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी और परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। क्या ना करें, शुभ और मांगलिक कार्य में जल्दबाजी ना करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, भाई बंधुओं की तरफ से आज सहयोग नहीं मिल पाएगा। कुछ भी करना है आपको अपने करना, लोगों के भरोसे रहे तो नुकसान हो जाएगा। आज कार्य में सफलता के लिए भागदौड़ और परिश्रम की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा खर्चों को काबू करना पड़ेगा, अपने शौक पर भी काबू रखना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी बात है, आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। गोचर माध्यम सावधानी की आवश्यकता थी जो मैंने आपको बता दी। क्या करें, अपने सास और पराक्रम को कमजोर ना होने दे भाई, बस इसको बरकरार रखे अच्छा रहेगा। क्या ना करें, सरकारी अफसरों से विवाद ना करें, न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आप सेकंड ओपिनियन ले लेना। नमन। बात करते आज के उपाय। सुख शांति और ऐश्वर्य के लिए अपने घर में कहीं न कहीं सवा फिट का कच्चा स्थान जरूर रखें, घर के हिस्से में कहीं भी, और उस स्थान को गोबर से लीप दें। वहां पर हर रोज देसी घी का दीपक जलाइए। जलाने के बाद मेरे से बात करिएगा। घर के किसी कोने में 1.25 फीट x 1.25 फीट पर कच्चा स्थान रखिएगा। हर रोज गोबर का लीप करके, गोबर से उसको अच्छी तरह लीपने के बाद उसमें देसी घी का दीपक जला दीजिए और जला के देखिएगा। लगातार 40 दिन जला के देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे दादी महाराज उपाय क्यों बताएं, फिर देखिए सुख और शांति क्या होती है। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। नियमित रूप से कुछ दिन कान में दालचीनी का तेल टपकाने से बहरापन दूर हो जाता है, यदि कान में बहरापन है तो। सरसों का तेल गर्म करके डालने से भी बहरापन में फायदा है। गर्म गर्म मत डाल देना, गुनगुन हम आप लोग बड़े वो अलग है। रात में शंख में पानी रख दे, सुबह उस पानी को खाली पेट पी जाए, साथ ही शंख की ध्वनि खूब सुने, इस प्रयोग से भी बहरापन दूर होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। ये तो हमारे छोटे संत महात्माओं के नुस्खे हैं, उन जो ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं ना जो चीर फाड़ करते हैं, इनको भूलना नहीं। मैं तो इनको भी प्रणाम करता हूँ कि आपकी विधा महान है, आपने बहुत उन्नति की है, बस इसका सदुपयोग होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। इसलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति का भी सहारा लेकर इसको तुरंत दिखाना चाहिए, खाली मेरे कहीं भी बातों पर नहीं लगे रहना चाहिए। नमनान। और बात करते दाती गुरु मंत्र। दाती गुरु मंत्र में सहज बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है मेरे लिए कहना आपको। बहुत हो गया ना जातिवाद की बात, बहुत होगी धर्मवाद की बात, बहुत चर्चाएं कर दी हमने अपने प्रांतवाद की और भाषावाद की बात, कभी कभी राष्ट्रवाद की बात कर लीजिए। क्यों, राष्ट्र एक महान है, राष्ट्र ही पूजा, राष्ट्र ही आराधना और राष्ट्र ही जीवन की यदि लक्ष्य रहा तो ये राष्ट्र प्रगति करेगा, तब हमारी प्रगति भी तो होगी ना। इसलिए सारी वाद को छोड़कर राष्ट्रवाद को अपनाइए। और एक बात कहना, राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा प्रयागराज इलाहाबाद में। ये संगम है गंगा यमुना त्रिवेणी का, सबका संगम वहीं पर है। और इलाहाबाद का मेला प्रारंभ हो रहा है 3 जनवरी को श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की, और हम लोग पेशवाई प्रवेश करेंगे, हमारा प्रवेश है, सारी संत महात्माओं का प्रवेश, और अद्भुत परिदृश्य होगा। शनिधाम ट्रस्ट श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के साथ कार्य, क्योंकि मैं शनिधाम ट्रस्ट की ओर से और अखाड़ा का प्रतिनिधि, क्योंकि मैं भी वहां का फकीर हूं, हम सभी लोग मिलकर 3 जनवरी को महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की ओर से संपूर्ण राष्ट्र को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसा परिदृश्य युगों में कभी कभी देखने को मिलता है, संत महात्माओं के दर्शन होंगे और उनके दर्शनों से आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। सभी लोग श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा की ओर से, शनिधाम ट्रस्ट की ओर से 3 जनवरी को पेशवाई के दौरान सादर आमंत्रित है, स्वागत है। और मैं रहूंगा इस बार इलाहाबाद मेले में। इलाहाबाद के संपूर्ण निवासियों से मेरा प्रणाम, और यदि है समस्या तो मिलने का अवसर भी दूंगा। बस आपके प्यार के लिए इलाहाबाद आ रहा हूं, गरीब फकीर हूं, शौक है राष्ट्र की सेवा करने का, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। 3 जनवरी 2013 पेशवाई है हमारी, आप लोग जरूर पधारें। आज इतना ही, और आज के सुझाव की चर्चा करते हैं।
आज रविवार का दिन है और आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत नील गीले वस्त्रों में भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। तत्पश्चात अपने इष्ट देवता को रोली हल्दी और अक्षत से तिलक करें तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन। आज इतना ही, कल के लिए कारोबार में सफलता नहीं तो उपाय क्या है और कमर में दर्द है तो नुस्खा क्या है? सोमवार का सुंदर जीवन मंत्र, राशि फल, उपाय, टोटके, नुस्खे, इन सारी चर्चा को शुरू करूंगा, लेकिन आज इतना ही। नमन।